ओए, अब तुझे कौन बचाएगा? नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि उन्हें मैं बम से उड़ाऊँ। अब मैं उन्हें बम से उड़ाऊंगा। अब बस कोई एक शिकार मिल जाए, कोई एक बकरा मिल जाए मुझे। बकरे? कौन है मेरा बकरा? दादाजी है मेरा बकरा। अब मर। ए, मर गया। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2। पर ट्विस्ट ये है कि आज हम लोग पूरे तीनों एस्केप्स को अनलॉक करने वाले हैं। तो बिना किसी बकचोदी के गेम को शुरू करते हैं। पहला दिन, आज हम लोग को जल्दी जल्दी तीनों एस्केप्स को क्लियर करना पड़ेगा। प्लेयर थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, आज हम लोग तीनों एस्केप्स को क्लियर करना है। जल्दी उठ। सबसे पहले तो हम लोग ऊपर जाएंगे स्टन गन लेने। देखते कोई है तो नहीं ना, नहीं तो क्या पता कि ऊपर जाते जाते मैं ही मर जाऊं। जल्दी चलो ऊपर। ओए ग्रैनी आ गई। नहीं ग्रैनी, नहीं नहीं, मुझे मत मार ग्रैनी। ग्रैनी मुझे मत मार ग्रैनी। चल जा, काम कर थोड़ा। यहाँ पे स्टन गन है। ओके नाइस, बढ़िया बात। यहाँ पे छुप जाता हूँ। यहाँ पे शायद दादी जब तक चली गई होगी तो गिरा देता हूँ। अरे मैं ही खुद ही गिर गया। अभी दादी जी किधर होगी? सबसे पहले तो हम लोग करने वाले हेलीकॉप्टर एस्केप। यहाँ पे दादी जी आ रही होगी। ये आ गई दादी जी। भागो बड़े भागो भागो भागो, बस मुझे बीच में दादा ना मिल जाए। पता नहीं दादा किधर है, लगता है बाथरूम में थूसू कर रहा होगा। नहीं नहीं बाथरूम में कैसे करेगा, मैं तो खुद ही बाथरूम से अभी निकला हूँ। ओए दादाजी, भाई हार्ट अटैक दे दिया था यार तूने तो। नहीं दादाजी छोड़ दे मुझे, दादाजी छोड़ दे मुझे, अब तो मैंने कुछ भी एस्केप क्लियर नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे। दादी जी पहले तू मर फिर दादा। चल सिक्योरिटी की रहे। अरे कुछ देता ही नहीं है यार, एमओ भी चुरा लेते हैं और खुद भी मतलब हाइड करके रखते सब कुछ। इसको ऐसा धक्का देने का मन करता है ना, स्टन गन लो और ये एमओ लो। अरे हट जाओ यार तुम लोग। यहाँ पे क्या मिला? हैंडबिल। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे डट्टे पे। नाइस, हेलीकॉप्टर के लिए काम आएगा। हेलीकॉप्टर तो हम लोग हेलीकॉप्टर स्किप करने वाले हैं। अरे इसको यहाँ पे रख दिया मैंने। यहाँ पे चलते क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है। ओ एक हेलीकॉप्टर मैन हुआ था, उसकी ज़रूरत है हमें। आज हम लोग सारे तीनों एस्केप जब हम लोग क्लियर कर लेंगे ना गाइस, तो उन्होंने फिर अक्कर पक्कर बॉम्बे वो करेंगे कि सबसे पहले कौन सा एस्केप किया था। क्योंकि भाई तीनों तीनों एस्केप्स है ना, इसकी वजह से आज हम लोग अक्कर बक्कर भी करने वाले हैं। कटिक प्लायर्स। नाइस नाइस नाइस, यहाँ पे निशाना लगा देता हूँ। यहाँ पे कटिंग प्लायर भी मिल गया, लगा देता हूँ। वाह हेलीकॉप्टर की नाइस। यहाँ पे इसको भी यहाँ पे फेंक देता हूँ मैं, फेंक दूँ यहाँ पे। जल्दी से स्टन गन उठा लेता हूँ, फिर चलते हैं हम लोग। बस बीच में दादाजी ना मिल गए, कि दादाजी का ही खतरा है ग्रैनी चैप्टर 2 में। क्योंकि ग्रैनी को तो हम लोग अपने उंगली के निशाने नचा सकते हैं, पर दादाजी को नहीं नचा सकते ना। इसको भी मार दिया। वाह मजा नहीं लाइफ। अब हम लोग को बहुत का सारा काम करना है, बहुत सारा। अब मुझे बस हेलीकॉप्टर के लिए मुझे अब गैसोलीन चाहिए। तो गैसोलीन अब कहाँ मिलेगा क्या पता। जहाँ पे गैस फ्यूज ले तो यहाँ पे फेंक दिया था मैं। यहाँ पे मैंने फेंक दिया ग्लास फ्यूज को। अब मुझे सारे पिक्चर्स भी तो चाहिए। ये एक पिक्चर लिया दादा जी का, सर फेंक दिया मैंने। अब दूसरा पिक्चर तो हालांकि मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं यहाँ से गैसोलीन ले लेता तो पहले देख लेता तो कोई तो है तो नहीं। नहीं है कोई भी, चलो भाई भागो। बस दादी जी या फिर दादा ना मिल जाए यहाँ पे। हाँ कोई नहीं है, चलो भागो तेजी नाल। इसको यहाँ पे फेंक देते हैं। चलो फिर हेलीकॉप्टर के लिए सब कुछ हो गया। बस एक बस दो पिक्चर और चाहिए मुझे। पता नहीं वो कहाँ पे मिलेगा, पर देखते हैं, हम लोग को मिल जाएगा तो सही बात है। अरे कहाँ पे है रे पिक्चर, जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पे एक पिक्चर है। नाइस, इसको यहाँ पे फेंक दिया मैंने।
लास्ट पिक्चर चाहिए, उसके बाद मुझे वेपन की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे स्टन गन से सारा काम कर लेगा। पहले दादाजी को मारो, अभी फिर दादाजी को मारो। चलो हम लोग का तो काम अभी निपट गया है, अभी बस हम लोग को एक और पिक्चर का पीस चाहिए। सबसे पहले इस रेंच को उठा लेते हैं, रेंच को उठा के यहाँ पे कस दिया, यहाँ पे तीसरा पिक्चर का पार्ट मिल गया। नाइस, एक दो तीन। चलो अभी इस ग्लास ट्यूब को लो और यहाँ पे फेंक दो। अब मुझे एक वेपन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टन गन चाहिए, क्योंकि लेजेंड्स तो छोटे छोटे कामों से भी कर लेते अपना काम, छोटे छोटे चीज़ों से भी कर लेते अपना काम। स्टन गन दो रे बाबा, ये ग्रैनी गई, ये दादा गया। अब चलते ऊपर की तरफ। अरे बुढ़े एमो देना, अरे फंसा दिया साला, ये साला बुढ़ा ना बहुत फंसाता है हमरे को। सबसे पहले तो इस बच्चे को मारो, बहुत हरामी है साला ये बच्चा, मारो इस बच्चे को। अब यहाँ से क्रोबा ले लो, क्रोबा लेके भागो। अब यहाँ पे वेपन की मिल गया, सोच रहा हो कि चलो वेपन की से अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि वेपन की मिल ही गया है तो काम कर लेते ना उससे। या शॉटगन, यहाँ पे एमो, दो एमो ले लिए। अब जल्दी से हम लोग ऊपर जाना है, अब अगर कोई आ भी गया तो वो मरेगा ही, शॉटगन के शॉटगन खाएगा और क्या। आ जाए बस कोई, हालांकि यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो हम लोग अभी सीधा ऊपर चलते हैं, अपना गेम खेलने चलते हैं हम लोग अपना। एक दो तीन, चलो हो गया। एमो रिलोड कर लेता हूँ, उनको भी बैंड बजानी है। अरे एमो हो जाए यार, यहाँ पे ग्लास फ्यूज लगा देता हूँ, फिर उसके बाद सारी चीज़ों भी चाहिए हेलीकॉप्टर के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ रख दिया है, यहाँ पे गैसोलीन कैन यहाँ पे भर दो। फिर ज़्यादा ये तो बोट के लिए भी चाहिए, तो बोट के लिए मुझे रखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरा ये भर जाता है ना, तो इसको मैं बाहर की तरफ फेंक देता हूँ। तो जल्दी से यहाँ पे अभी डक टेप ले लो, और इसी तरफ से हम लोग का भी हेलीकॉप्टर इसके बाद होने ही वाला है। इसको मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ बोट के लिए। यहाँ पे एक डक टेप ले लो और फिर यहाँ पे लगा दो। लग जा रे बाबा, ओए अब तुझे कौन बचाएगा। नहीं मैं तो सोच रहा हूँ कि उन्हें मैं बम से हो रहा हूँ, अब मैं उन्हें बम से उड़ाऊंगा। अब बस कोई एक शिकार मिल जाए, कोई एक बकरा मिल जाए मुझे। बकरे कौन है मेरा बकरा, दादाजी है मेरा बकरा। अब मर, ए मर गया। गाइस कैसा लगा, यहाँ से मैं सेफ के लेता हूँ। यहाँ पे मुझे स्पार्क पर्क मिल गया बोट के लिए, नाइस। मेरा हेलीकॉप्टर तो एक तो हो गया मेरा, अभी बस मुझे बोट के लिए चाहिए सामान। यहाँ पे मैं स्पार्क पर्क लगाऊंगा, फिर गैसोलीन भी मिल गया था, गैसोलीन लगा दूंगा। फिर बोट स्टेयरिंग व्हील जहाँ पे मुझे लगता है ऊपर था, जहाँ पे शॉटगन रहता है ना वहाँ पे था। यहाँ पे गैसोलीन लगा देते हैं पटाख से, बस कोई मिल ना जाए बकरा सारा। अब मैंने स्टेयरकेस में फेंक दिया, यहाँ पे बोट व्हील जैसा कि मैंने कहा था यहाँ ही पड़ी है, सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ से ढूंढने का। जल्दी से, ओह कोई भाई कोई तो आ रहा है, नहीं कोई भी नहीं आ रहा है। ये घर का इतना पेंटिंग इतना ख़राब है ना, कैसा लगता है कि हर समय इन लोग ही आ रहे हैं। इस हैंड व्हील को भी यही पड़ी फेंक देते हैं। चलो बढ़िया, डोर के लिए मेरे को हैंड व्हील मिल गया, अभी बस पैडलॉक की चाहिए और भी बहुत सारे सामान है वो भी चाहिए। बूट की तो सबसे पहले मैं नीचे फेंक के आता हूँ, सबसे पहले मैं इसे फेंक देता हूँ यहाँ पर। पैडलॉक की दोनों के लिए चाहिए मुझे, डोर के लिए भी और बोट के लिए भी। अभी सैंड व्हील को लो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर कोई आ तो नहीं रहा है ना, तो अभी मैंने उनको मारा है रिस्पॉन फटाक से हो भी सकते हैं यहाँ पर। हमें क्रोबा ले तो ऊपर चलता हूँ सीधा, पर ऊपर जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं डोर है ना, डोर पे मैं ये काट दूँ एक दो। तो मैंने दोनों प्लैंस तो काट दिया, यहाँ पे पैडलॉक की भी मिल गया, नाइस। दोनों के लिए अच्छा हुआ, एक डोर के लिए और एक बोर्ड के लिए, कोई आ तो नहीं रहा।
अबे ग्रैनी को तो मैंने सुला दिया, अब चलो फटाक से पैडलॉक किए लेके। वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी बन गई थी हमारी, मतलब कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो बन गया था। इसको बात पर मतलब इतना ध्यान दे दे के इसको ट्रिम करना पड़ा ना, बाप रे जान ही निकल गई थी मेरी तो। यहाँ पे मैंने पैडलॉक की से इसको भी खोल दिया, नाइस। यानी कि अब तक शायद से मेरा पूरा वो ये हो गया होगा एस्केप, डोर का बस थोड़ा सा बचा रहेगा, बोर्ड का तो भी होने ही वाला है। यहाँ पे मैंने ये गैसोलीन कैन हो गया, यहाँ से मैं बोर्ड स्टडिंग वेल लेता हूँ और जाके नीचे लगा देता हूँ, बस कोई मिल ना जाए यार बकरा। यहाँ पे ये भी हो गया, चलो नाइस, तेरा बोर्ड भी हो गया। अब बस डोर के लिए कुछ तो चाहिए रहता है, बस थोड़े और एक या दो सामान रहेगा तो वो भी मैं ढूंढ लूँगा इसी घर में। यहाँ पे कटिंग प्लाट्स मिल गया, नाइस। अभी मैं नीचे जाके प्लैंक काट देता हूँ, प्लैंक नहीं सॉरी ओ वायर काट देता हूँ, यहाँ पे कोई है तो नहीं, नहीं है। लगता है उन लोग आज डाइटिंग पे थोड़े, कोई आज मिल नहीं रहा है तो यहाँ से मैं काट देता हूँ इसे। जब ऊपर चलते हैं, ऊपर और भी बहुत सारे सामान हैं, और क्या मिल सकते हैं यहाँ पे मुझे। यहाँ पे एक स्टन गन, तो स्टन गन दो और उनको सुला दो। ये दादी जी फिर से काम करिए, पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि मैं कैसे बचा था दादी के हाथों से, अगर हमने देखा है तो आपको पता रहेगा। अरे यार फंस गया यहाँ पे मैं, यहाँ पे मैं डोर हैंडल लेता हूँ और नीचे जाके लगा देता हूँ, बस कोई मिल ना जाए यार। जल्दी चलो इसको भी यहाँ पे लगा दो, और इसी तरह से हम लोग का सारे स्केप हो चुके हैं। अब अक्कर बक्कर बॉम्बे बो, अक्कर बक्कर बॉम्बे बो, 80-90 पूरे 100 100 से निकला धागा, चोर निकल कर भागा। यस, हेलीकॉप्टर स्केप गाइस, हम लोग आज हेलीकॉप्टर स्केप करने वाले हैं। बस बीच में कोई मिलना है, नहीं तो मेरा डे वन वेस्ट हो जाएगा। जल्दी से निकलो यहाँ से, बस पोपट ना हो जाए मेरा। जल्दी चलो ऊपर और हेलीकॉप्टर स्केप से कर दो, डू इट। हेलीकॉप्टर की को लो और भाग चलो रे बाबा, जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो, नहीं तो ग्रैनी और ग्रैंडपा आएंगे और मुझे हेलीकॉप्टर से निकाल लेंगे। यहाँ पे ये दोनों, अरे मैंने हेलीकॉप्टर मैनुअल तो लिया ना, हाँ लिया मैंने, लिया लिया। मतलब मैं ऐसे ऐसे घूम रहा था ना, मतलब मैं डर जाता एकदम। सो गाइस, आज मैंने तीनों एस्केप्स को क्लियर कर लिया है, सो बाय एंड टेक केयर।